नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों गाड़ी के बारे में, डिटेल में आप लोग के साथ कंपैरिजन करेंगे। ये रहा ESTI रोडस्टर, साथ में आपको जावा क्लासिक 350। सबसे पहले मैं बता दूँ इन दोनों गाड़ी में ना आपको ऑनरोड की बात करेंगे तो आपको प्राइस कैप ओनली आपको 5000 का मिलने वाला है। सबसे पहले इस गाड़ी का देखो फ्रंट वाला प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे दोनों साइड से आपको 1000 मिलने वाला है, दोनों गाड़ी में मिलेगा। इसका अगर आप हेडलैम्प की बात करेंगे, ये देखो राउंड शेप की बिल्कुल छोटा सा मिलेगा, ऊपर आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ और ये स्प्लिट वाली, नीचे से आपको DRL दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ESTI की बेजिंग किया हुआ आपको मिलने वाला। गाड़ी का अगर देखेंगे तो ये आपको फुली एक राउंडेड शेप का आपको हेडलैम्प मिलने वाला है, ऊपर आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ, नीचे आपको ये हेलोजन का ये हेडलैम्प मिलने वाला है। दोनों आपको 1000 CM का हेलोजन का मिलेगा। हॉर्न स्पीकर यहाँ पे सामने मिलेगा और यहाँ पे आपको इस वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा जावा का ब्रांडिंग किया हुआ। दोनों गाड़ी में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाला है जो आपको 41mm की है और डुअल चैनल ABS के साथ आपको ये ESTI रोडस्टर, साथ में आपको जावा क्लासिक 350 मिलने वाला है। 320mm का मिलने वाला है और ये 280mm का मिलेगा। टायर की बात करें दोनों गाड़ी में आपको 100 cc का मिलने वाला है, 190/18 inch का मिलेगा। यहाँ पर भी आपको सेम 100 cc का टायर मिलेगा। दोनों आपको MRF के द्वारा बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर मिलना है और इसका अलॉय आपको डायमंड कटिंग अलॉय मिलेगा। साथ में अगर यहाँ पर जावा का देखेंगे क्लासिक का तो आपको ये स्कोप वाली मिलने वाली है। फेंडर आपको ये बड़ी अट्रैक्टिव मिलने वाला है। हैंड प्रिंटर गोल्डन कलर का स्टिकरिंग किया गया। सेम चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो ग्लॉसी ब्लैक कलर का मिलेगा और इसके ऊपर आपको सिल्वर कलर का स्टिकरिंग किया हुआ आपको मिलने वाला। आप इस गाड़ी का पीछे वाले के बात करते हैं टायर और ब्रेकिंग सिस्टम की करेंगे तो 240mm का यहाँ पे मिलने वाला है। दोनों गाड़ी में टायर की बात करेंगे तो मैं एक बार देखता हूँ, दोनों आपको 130 cc का मिलेगा। 30, 80, 17 inch का यहाँ पे मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको एलो व्हील का आपको स्कोप वाला मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपको डायमंड कटिंग स्कोप मिलने वाला है। पीछे से अगर देखेंगे, पीछे वाला प्रोफाइल देखिए, यहाँ से अगर टेल लैंप आपको LED का मिलेगा, 1000 के साथ मिलेगा और यहाँ पे अगर रिफ्लेक्टर मिलेगा, इस साइड में नंबर प्लेट लगा सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे आपको लगभग सेम मिलने वाला है, बट ये राउंडेड मिलेगा और ये आपको उसमें आपको LED का मिलने वाला, ये भी LED का मिलेगा बट ये राउंड से आपको टेल लैंप मिलेगा, दोनों साइड से इस टाइप का मिलेगा और रिफ्लेक्टर यहाँ पे आपको मिलेगा। और साड़ी गाड़ी की बात करेंगे तो जाली टाइप का वहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको जाली टाइप लगभग सेम देखने में सेम दिखना हुआ आपको मिलने वाला है। दोनों गाड़ी का सीट की तरफ लेके चलते, सीट देखेंगे तो यहाँ पे रोड स्टार में आपको स्प्लिट वाला मिलेगा और क्लासिक में आपको सिंगल सीट मिलने वाला और आगे से आप ये थोड़ा डिजाइन वगैरह आपको मिलेगा। जो कि अगर सीट कम्फर्ट की बात करेंगे तो बड़ी मज़ेदार किया गया भाई, यहाँ पर बहुत सॉफ्ट कुशनिंग का भाई बात मत पूछो। जैसे आप बैठोगे ना आपको लगेगा कि आप किसी गद्दे के ऊपर बैठेंगे। और इस गाड़ी का अगर सीट हाइट बात करेंगे तो 790mm का दोनों में 790mm का सीट हाइट मिल रहा है। कर्व वेट बात करेंगे दोनों गाड़ी से 194 kg की मिल रहा है। पर ग्रे बैंडल की बात करेंगे तो स्प्लिट वाला मिल रहा है यहाँ पे और इस साइड में सेम चीज़ें आपको इसमें भी आपको मिलने वाला है। और बट यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे सीट के नीचे, ये देखो एक फिनिशिंग दिया गया जैसा क्रोम फिनिशिंग के साथ आपको मिलने वाला, बट वो चीज़ें आपको जावा क्लासिक में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जो मडगार्ड है ना पीछे वाला, ऊपर रिफ्लेक्टर बेजिंग किया हुआ मिलेगा जो आपको यहाँ पे मिलने वाला नहीं। यहाँ पे आपको गोल्डन कलर का एक स्टिकरिंग दिया गया जो ऑसी ब्लैक कलर का मिलेगा। टेल लैंप के ऊपर आपको ये क्रोम फिनिशिंग मिलेगा जो यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला। पॉइंट में आपको रोडस्टार आगे निकल जाता है, लेकिन लुक और डिजाइन सबसे पहले बात करते हैं। ये रहा ESTI का रोडस्टार। आपको सबसे पहले यहाँ पे जो आपको साइड पैनल के ऊपर ESTI करके रोडस्टार का बेजिंग किया हुआ ग्लॉसी ब्लैक कलर का मिलने वाला है और बिल्कुल ब्लैक बॉडी के साथ मिलेगा। हॉल टैंक के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ESTI करके बेजिंग किया हुआ मिलेगा, नीचे आपको ब्राउनिश कलर का मिलने वाला है और इसके ऊपर एक सेपरेट करता हुआ सिल्वर कलर स्टिकर मिलेगा और हाई पैड भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तरफ लेके चलेंगे तो ये रहा, देख पा रहे होंगे व्हाइट कलर का जो स्टिकरिंग है ना इसका ऑयल टैंक के ऊपर मिलेगा, बिल्कुल ब्लू कलर मिलेगा और E20 सपोर्टेड 12.5 liter का ऑयल टैंक आपको मिलने वाला है। सेम चीज़ अगर क्लासिक में देखेंगे ढक्कन जो आपको पीतल का मिलने वाला है, इसके ऊपर सिंस 1921 करके ब्रांडिंग किया हुआ मिलेगा और E20 सपोर्टेड 13.2 liter की ऑयल टैंक मिलेगा। क्रोम फिनिशिंग के साथ गाड़ी दिखने में कितना मज़ेदार है ये देखिए, और इसके ऊपर आपको पीतल का जावा का ब्रांडिंग किया हुआ मिलने वाला है। इसके ऊपर आपको ये देख पा रहे होंगे एक गोल्डन कलर का जो स्टिकरिंग है ना भाई, और साथ में ये ग्लॉसी ब्लैक कलर दिखने में बड़ी प्यारा सा लग रहा है। इस साइड में दिखाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ये तीन स्ट्रिप मिलेगा जो आपको गोल्डन कलर का। अगर सस्पेंशन की बात करेंगे, बात कर लेते हैं जावा की, जावा
350 में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल आपको ट्विन शॉक मिलेगा। सेम चीज़ अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको ट्विन शॉक एडजस्टेबल आपको मिलने वाला। चाबी दिखाता हूँ, दोनों का चाबी कंपेरेटिवली बस सेम ही आपको मिलने वाला है। जैसे गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे, ये रहा इसका डिजिटल डिस्प्ले मीटर, कुछ आपको इस टाइप का आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड ऑन है तो यहाँ पे दिखाई देगा RPM मीटर, ऊपर न्यूट्रल, ABS, नीचे आपको गियर इंडिकेटर दिखाएगा, डिजिटल घड़ी भी मिलेगा। इस साइड में आएंगे तो आपको 4 बटन मिलने वाला है। जैसे आप बटन को ये करेंगे, यहाँ पे आप देखो ट्रिप पे इस साइड में आएंगे तो इंजन कूलिंग बटन, हजार्ड बटन, पावर स्टार्ट, ये आपको यहाँ पे पावर स्टार्ट मिलने वाला है। और इसका जो हैंडल बार है ना, थोड़ा अपराइट पोजिशन में आपको दिख रहा होगा, थैंक्स टू जावा ESD शोरूम कोलकाता का। टीटागढ़ में इनका शोरूम है, अगर आप लोकल में हैं या आपको कोलकाता में या नियर बाय कोलकाता में आप तो शोरूम विजिट कर सकते हैं। बाकी मोबाइल नंबर और लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे, ये रहा उसका डिस्प्ले मीटर। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड ऑन है तो यहाँ पे ऊपर आपको ब्लिंक करता हुआ मिलेगा या RPM मीटर, नीचे आपको इस वाले पोर्शन में आपको फिल्टिंग वाला मिलेगा, ये आपको हजार्ड्स ऑन है, ये इंजन वार्निंग वाला, फ्यूल वाला, या आपको पास लाइट वाला, ऊपर ABS, ये ऊपर आपको ये क्रोम फिनिशिंग के साथ। इसका जो हैंडलैम्प वाला पोजीशन दिखने में बड़े प्यारा है भाई, देखो ग्लॉसी ब्लैक कलर का, बट इसका जो हैंडल साइज है बिल्कुल कंफर्ट राइड के लिए दिया गया। इसका थ्रॉटल में भी आपको ये देखिए क्रोम फिनिशिंग यूज किया गया, कि हाई बीम लो बीम, पास लाइट वाला बटन, या आपको साइड इंडिकेटर वाला बटन, नीचे आपको हॉर्न वाला बटन मिलने वाला है। इसको आप ये इंजन कूलिंग बटन, नीचे आपको हजार्ड्स वाला बटन मिलेगा, और ये पावर स्टार्ट, यहाँ पे भी आपको ओनली पावर स्टार्ट मिलने वाला है। इंजन की सबसे पहले बात करते हैं जावा क्लासिक 350 का। इसका अगर इंजन की बात करें तो 334 लिक्विड कोल्ड इंजन मिलेगी, जो कि आपको पावर प्रोड्यूस करेगा 22.26 BHP की पावर मिल जाएगा। टॉर्क की बात करें 28.1 न्यूटन मीटर की यहाँ पर टॉर्क मिलेगा, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको ये 178 mm की मिल रहा है। सेम चीज़ अगर यहाँ पे आपको रोड स्टार में देखेंगे तो वही आपको 334 cc की लिक्विड कोल्ड इंजन मिलेगी, जो कि पावर आपको 29.23 की BHP की पावर मिल जाएगी, और टॉर्क 28.95 की टॉर्क मिल जाएगी, 175 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस। तो ओनली आपको साइड स्टैंड मिलने वाला है इसका, और आपको इसमें कोई आपको सेंटर स्टैंड नहीं मिलेगा। स्पीड गियर की बात करेंगे तो दोनों में आपको 6 स्पीड गियर मिलेगा, एक आगे 5 आप पीछे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस दोनों गाड़ी का टॉप स्पीड, तो आपको 125 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये गाड़ी दौड़ सकता है। सेम चीज़ें आपको रोस्टर में 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये गाड़ी दौड़ सकता है। इसमें डुअल एग्जस्ट मिलने वाला है इसका, और आपको इसमें इसका आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ मिलेगा, और रोज स्टार में आपको बिल्कुल मैट ब्लैक कलर का आपको मिलने वाला है। अब गाड़ी का बात करते हैं प्राइस की। सबसे पहले एक्सोरूम की बात करेंगे तो जावा 350 217,950 रुपीज़ में मिल जाएगी, और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता में। तो इसका अगर ऑनरोड की बात करेंगे तो 260,599 रुपीज़ में ये गाड़ी मिल जाएगा, और रोस्टार की बात करेंगे तो इसका एक्सोरूम 212,849 रुपीज़ में ये गाड़ी है, और ऑनरोड की बात करेंगे तो 248 रुपीज़ में ये गाड़ी आपको मिल जाएगा। माइलेज की बात करोगे तो अच्छे तरह से अगर मेंटेनेंस करोगे, इंजन वगैरह सब कुछ चेंज करेंगे, तो आपको 25 से लेके 30 तक सिटी और हाईवे में इन एवरेज आपको मिल जाएगा। आप लोग को जावा क्लासिक 350 और रोडस्टार का रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी थैंक यू आप लोगों ने हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे, बाकी थैंक यू आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया। वक्त आ चुका आप अलविदा लेने के लिए, फिर वापस आएंगे और रनिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।